हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया एसएमएमके में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप के बारे में। जी हां दोस्तों, मेरे पास काफी ज्यादा स्टूडेंट्स कमेंट्स करके क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चंस ये है कि सर, सेकंड राउंड की जो स्कॉलरशिप है वो कब से आना स्टार्ट होगी। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में इसी के बारे में बात करेंगे, आपको बताएंगे सेकंड स्टेज सेकंड राउंड की जो स्कॉलरशिप है वो किस डेट से आपके बैंक अकाउंट में आने लगेगी। प्लस आपको बताएंगे कि अगर आपके फॉर्म में सस्पेक्ट है तो आपको क्या करना है। जैसा कि आपको पता है, करेक्शन पोर्टल जो ओपन हो चुका है और काफी ज्यादा छात्रों के जो फॉर्म है वो है सस्पेक्ट की लिस्ट में, तो आज की वीडियो में उसका सॉल्यूशन भी बताएंगे। तो उस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल किया है और आप अपनी स्कॉलरशिप का वेट कर रहे हैं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, देखिए पहले हम बात कर लेते हैं कि आप लोग अपने फॉर्म में करेक्शन कहां से कर सकते हैं, कहां से आप लोग लॉगिन कर सकते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा छात्रों के जो करेक्शन पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। उसके बाद हम बात करेंगे कि सेकंड स्टेज की स्कॉलरशिप किस डेट से आएगी, प्लस अगर आपका फॉर्म है सस्पेक्ट है तो आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और जानते हैं कंप्लीट डिटेल में। सो गाइज, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग अपने फॉर्म में करेक्शन कहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि सेकेंड स्टेज का जो पैसा है वो किस डेट से आने वाला है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको सिंपली अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, वहाँ पे आपको सर्च कर लेना है sarkarijobfinder.com। इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से भी जा सकते हैं और डायरेक्ट क्रोम ब्राउजर पर भी सर्च कर सकते हैं sarkarijobfinder.com इसका जो। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली यूपी स्कॉलरशिप करेक्शन फॉर्म 2021 पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक न्यू पेज पर आ जाएंगे जहाँ पर आप लोग 5 से 6 लिंक्स देख सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपना जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है, यानी कि आपका फॉर्म प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक या फिर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर है, आपको सिलेक्ट करना है और आपको यहाँ पे सिंपली फ्रेश या रिन्यूअल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप करेक्शन के पेज पे पहुंच जाएंगे जहां पे आपको अपनी डिटेल्स दे देनी है और इस पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकेंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं कैमरे की तरफ, आपको बताते हैं कि सेकंड स्टेज का पैसा किस डेट से आने वाला है। सो गाइस, आप लोगों ने चेक कर लिया कि कहां से आपको अपने फॉर्म में लॉगिन करना है, कहां से आपको करेक्शन करना है। अब बात आती है कि सेकंड स्टेज का जो पैसा है वो किस डेट से आपके बैंक अकाउंट में आने लगेगा। तो देखिए, जैसा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उसके अकॉर्डिंग हम अगर बात करें तो आपकी जो सेकंड स्टेज की स्कॉलरशिप है वो दिसंबर लास्ट से आपके अकाउंट में आना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि दिसंबर एंड से जो पैसा है आपका वो अंडर प्रोसेसिंग बैंक शो होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि फर्स्ट स्टेज की अगर हम बात करें, फर्स्ट स्टेज में नवंबर एंड से पैसा आना था मगर 2 दिसंबर से पैसा आना स्टार्ट हुआ था, तो हम यहां पर मान के चल रहे हैं सेकंड स्टेज का जो पैसा है आपका वो दिसंबर एंड से कहा गया है मगर 2 या 3 जनवरी से आपको जो पैसा है वो पीएफएमएस पर अंडर प्रोसेसिंग बैंक शो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और शो होने के लगभग 15 से 20 दिन के बाद वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, मगर उन्हीं छात्रों का अंडर प्रोसेसिंग में शो होगा जिनका फॉर्म कॉलेज से फॉरवर्ड कर दिया गया है, प्लस उनके फॉर्म में किसी भी प्रकार का सस्पेक्ट नहीं है, प्लस उनका फॉर्म जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल से वेरीफाई हो चुका है। उन सभी छात्रों की जो स्कॉलरशिप है वो दिसंबर एंड यानी कि 29 दिसंबर 30 दिसंबर से आना स्टार्ट हो जाएगी और उसके 15 से 20 दिन के बाद वो पैसा उनके बैंक अकाउंट में भी क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो आप लोग अपना रेगुलर स्टेटस चेक करते रहिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी सब्सक्राइब कर लिए, उसे भी फॉलो कर लिए क्योंकि वहां पर भी हम अपडेट्स प्रोवाइड करते रहते हैं। अब बात आती है अगर आपका फॉर्म सस्पेक्ट है तो आपको क्या करना है। तो देखिए, जो आपका सस्पेक्ट का रीजन है आप उसके अकॉर्डिंग अपने फॉर्म में करेक्शन करिए, यानी कि अगर आपका एनरोलमेंट नंबर रोल नंबर मैच नहीं है तो आप अपना रोल नंबर चेक करिए, अगर आपके मार्क्स मिसमैच है तो अपने मार्क्स चेक करिए, अगर आपका इनकम का सर्टिफिकेट नंबर सीरियल नंबर गलत है तो आप उसका सीरियल नंबर वगैरह चेक करिए, अगर ये सारी चीजें ठीक है तो आप सिंपली उसे सबमिट कर दिए और हार्ड कॉपी और डॉक्यूमेंट्स की कॉपी अपने कॉलेज में जमा कर दिए, कॉलेज वाले उसे वेरीफाई करके फॉरवर्ड कर लेंगे। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कॉलेज के पास जो है वो सस्पेक्ट की लिस्ट आती है, ठीक है, कॉलेज के पास जो सस्पेक्ट की लिस्ट आती है उसी के अकॉर्डिंग डेटा वेरीफाई करते हैं, उसके बाद वो दोबारा से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, आप अपने कॉलेज में जरूर संपर्क करिए अगर आपका किसी भी तरह का सस्पेक्ट है, क्योंकि उनके पास लिस्ट आती है। और जो पैसा है सेकंड स्टेज का वो जनवरी 2 जनवरी 3 जनवरी से आना स्टार्ट हो जाएगा, मगर इसके लिए शर्त ये है कि आपको जो फॉर्म है वो वेरीफाई होना चाहिए और अभी प्रॉपर स्टेटस नहीं आया, जैसी आता तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, और आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।